से कन्हैया जी, मोटे अनाजों में क्या लगता है आपको 2023 को मोदी सरकार मोटे अनाजों के वर्ष के तौर पर मनाना चाहती है इंटरनेशनल तौर पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो अब मोटे अनाजों में क्या संभावना है आपको, खासकर बाजरे में? देखिए, बाजरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण मोटे अनाज में देखा जा रहा है, और जो खबर ही में निकल के आ रही है कि अभी हम ग्राउंड रियलिटी देखे हैं तो बाजरे की जो पैदावार होनी थी वो पैदावार कम हुई है, और साथ साथ में बाजरे के अंदर जो हम देखे हैं थोड़ा सा कि बाजरे की, मैं थोड़ी स्टैटिस्टिक भी आपको दिखाता हूँ कि अभी बाजरे का जो उत्पादन का लक्ष्य था वो लगभग 120 लाख टन का था और उत्पादन लगभग 80 से 85 लाख टन का है, और 40% फसल बाजरे की, मुझे लगता है कि आप जो समाचार मिल रहे हैं उसके क्वालिटी अच्छी नहीं है, और गंगा यमुना और सरयू नदी के आस पास जो बीच में जो जल स्तर बढ़ गया था, बाढ़ की स्थिति थी, उससे भी बाजरे की यूपी की जो है वो फसल थोड़ी खराब हुई थी। राजस्थान, हरियाणा और यूपी में बरसात की वजह से बाजरे को थोड़ा सा नुकसान की भी समाचार है, और ये भी है कि बाजरे की जो नेक्स्ट फसल है वो सितंबर अक्टूबर में आएगी और अभी टाइम पूरा बाकी है, तो कुल मिला के बाजरे के जो दाम है वो किसी भी कीमत पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टूटने की संभावना है, और इसमें मजबूती की संभावना मुझे अधिक नजर आ रही है। लेकिन याद रखिएगा, बाजरे को ये कहा जाता है कि किसी भी चीज को सही वक्त पे यदि आप नहीं उसको पिकअप कर लेते हैं तो वो फिर खराब हो जाता है। जैसे पेड़ के ऊपर फल है, उसको पकने पर अभी आप नहीं तोड़ेंगे तो कुछ समय के बाद में उसको पक्षी खाने लगेंगे, और पक्षी और वो, या फिर वो पक्षी भी नहीं खाएंगे तो वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा और उसका वो और कोई यूज नहीं होगा। तो बाजरे के अंदर तेजी, अभी मुझे संभावना तेजी की लग रही है, लेकिन मंदी कब आएगी ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके लिए भी हम विशेष शो अपना मार्केट टाइम्स टीवी पर रखेंगे, जो अभी मोटे अनाज के कारोबारी है जिसके अंदर बीट है, बाजरा है, मक्का है, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर तेजी के साथ साथ मंदी के भी तगड़े तगड़े झटके लगने वाले हैं। जी अखिलेश, अखिलेश जी कन्हैया जी।